हेलो। हम अक्सर अपने वीडियोस में लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में, सेहत के बारे में, डाइट के बारे में, सुख शांति के बारे में और ज़िंदगी कैसे जिया जाए, ज़िंदगी को बेहतर ढंग से कैसे जिया जाए, आनंद लिया जाए, उसके ऊपर बात कर चुके हैं, काफ़ी करते रहते हैं। और जो कुछ अनुभव होता है, मन करता है कई बार आपसे शेयर कर लें, आपसे बांट लें। तो ऐसा ही आज एक पर्सनैलिटी, एक महान पर्सनैलिटी मेरे जहन में आई, उनके बारे में आज बात करेंगे। ये वो हैं भाई रणजीत सिंह ढढरियावाले। जी हाँ, कुछ अरसा पहले ये अपने धार्मिक अध्यात्मिक आध्यात्मिक क्षेत्र में लगे हुए हैं। सुमिरन करवाना, नाम जपाना इनका मेन उद्देश्य है। उसके अलावा भी बहुत से और इनकी पर्सनैलिटी के पहलू हैं, आज हम डिस्कस करेंगे। और बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही महान, बहुत ही मज़ेदार इनका जो चरित्र है वो है। और कुछ अरसा पहले इनके नाम के साथ लोग संत लगाते थे, इनको रिस्पेक्ट से, रिगार्ड से संत जी कहते थे। लेकिन इनकी विनम्रता देखिए कि इन्होंने कहा, भाई मुझे संत मत कहिए, मुझे आप भाई कहा कीजिए। तो अभी आदर सत्कार से लोग इन्हें भाई साहब कहते हैं, भाई साहब। तो क्या है ये रणजीत सिंह ढढरिया वाले, क्या है एक, मतलब अपना एक रोल मॉडल है आजकल, अगर देखा जाए, अगर आप उनको सुने, गहन से सुने, ध्यान से सुने अगर आप, तो देखेंगे कि एक बढ़िया जिंदगी जीने का तरीका ये बताते हैं, अमेजिंग लाइफ कैसे जिया जाए ना। खाते पीते चले जाते हैं, जिस प्लेनेट के ऊपर हम आते हैं, खाते पीते हैं, निकालते हैं, चले जाते हैं। एक्सक्यूज मी। तो भाई रणजीत सिंह कहते हैं कि इसी स्पिरिट के साथ, एक चिंगारी के साथ, एक स्पार्क के साथ कैसे जिंदगी जिए, तो ढड्रिया वाले ये कहते हैं। और बहुत से लोग मैं देखता हूँ यहाँ पे, इनका नाम कुछ ऊटपटांग लेते हैं, ढडरी बोलते हैं कोई इनको, हैं ढडरी, मिस्टर ढडरी, ऐसा नहीं है। ढडरियाँ, जहाँ तक मेरी नॉलेज का सवाल है कि एक ढडरियाँ एक जगह का नाम है, शायद शायद उसके साथ इनका संबंध हो, या इनकी बर्थ प्लेस हो वहाँ पे। तो ढडरियाँ एक गांव या कस्बा या सिटी ऐसा कुछ है, तो वहाँ से ये संबंध रखते हैं। तो जो जितने प्रचारक होते हैं या और ऐसे पर्सनैलिटीज हैं खास करके उत्तरी भारत में, तो श्रीनगर वाले, पटियाला वाले हैं, तो इनको भी है एक टाइटल, इनका एपिथेट इनका ढड्रिया वाले है, रणजीत सिंह ढड्रिया वाले, ये सही नाम इनका है। तो बताते हैं कि कैसे जिंदगी आनंद के साथ जी जाए। महज एक बाबा बनकर, एक ढोंगी बाबा बनकर, धार्मिक लिबास पहनकर, आपको कहीं ले जाके, आपको ल्यूर करके, आपको बहला के, फुसला के, हाँ में हाँ मिला के, आपकी आपके आपकी जो पॉकेट खाली की जाती है उनमें से नहीं है, ये अलग हैं, एक टॉर्च वाले बाबा हैं। टॉर्च काहे की, ज्ञान की, इनके हाथ में एक ज्ञान की टॉर्च है, एक एक बत्ती है, चिंगारी है, एक मोमबत्ती है, राइट, प्रकाश में आपको ले जाएंगे, उजाले में आपको ले जाएंगे। ये बात कर सकते हैं, ये बात करते हैं हर्षोल्लास की, आनंद की, खुशी की बात करते हैं आप, ये रणजीत सिंह जी। और ये बात करते हैं एंथुसियाज्म की, उत्साह, हर्षोल्लास और उत्साह। दूसरा पहलू, कोई विषय, कोई ऐसा ये छोड़ते नहीं है जो आपके यात्रा को यहाँ पे मुकम्मल बनाए, संपूर्ण बनाए, इन ए टोटलिटी, ठीक है। तो उसमें मेडिटेशन भी है, उसमें सुमिरन भी है, लेकिन ये जो गाड़ी, ये जो ढांचा भगवान ने दिया है, कुदरत ने दिया है, नेचर ने दिया है, इसको ग्रीसिंग करके कैसा रखना है, वो भी ये बाखूबी आपको सिखाते हैं। उसके ऊपर बहुत, मतलब डाइट हो, अपना खान पान हो, एक्सरसाइज हो, एजुकेशन हो, और बियॉन्ड दिस आपका ज्ञान और अपना तजुर्बा कैसे एनरिच किया जाता है, वो भी इनके लेक्चर्स में, इनके प्रवचन्स में आम झलकता है, अच्छी तरह झलकता है। लेकिन ये एक बहुत डिसअपॉइंटिंग बात होती है कि जब ऐसा कोई इंसान आता है,
इस जमीन पर आता है, जो दूसरों को झंझोड़ता है वेक अप, तो उसका क्या होता है? विरोध होता है। शायद इनका भी काफी जगह हो रहा है, क्योंकि हम लोग क्या मासेज हैं, पब्लिक है, राइट। और समय समय के ऊपर कुछ चंद लोग ऐसे होते हैं जो उनको गुमराह करके, उनमें उनकी हाँ में हाँ मिला करके लाइट नहीं दिखाते, लाइट को सीमित कर देते हैं। आपके ज्ञान को, आप हमारे सबके ज्ञान को, हमारे सोचने को, हमारे पॉइंट ऑफ व्यू को सीमित कर देते हैं। उससे फिर उनकी दुकानदारी चलती है कि इस चीज़ का इलाज तो मेरे पास है, आपके पास नहीं है, आइए। लेकिन ये नहीं, जो सच का जो ढंढोरा पीटता है इंसान, जो अंदर से सच्चा है, बाहर से सच्चा है, ऐसे तलीपे के ऊपर जो लेके चला हुआ है, वो क्या करता है? आपको सच के साथ, सच के अनलिमिटेड सोर्स के साथ आपको जोड़ता है कि ले भाई ये है, तूने यहां पहुंचना, तू भी ले, तू भी ले। तो ऐसा जो मार्गदर्शन करता है, उनमें से एक महान आत्मा है भाई रणजीत सिंह ढड्रियां वाले। तो ये नॉट ओनली आध्यात्मिक जो अपना सफर होता है उसमें, वो भी खैर बहुत बड़ी बात होती है, ये बात करते हैं आध्यात्मिक चिंतन की, अपने डे टू डे जो रिलेशनशिप हैं, माँ बाप के साथ रिलेशनशिप कैसे है, बहन भाई के साथ कैसा रहे, बीवी के साथ कैसा रहना है, तलाक हो रहे हैं, मर्डर हो रहे हैं, और पता नहीं क्या क्या मिसअंडरस्टैंडिंग्स पैदा हो रही हैं। तो इनके कभी लेक्चर सुनिए, ये बात करते हैं रिलेशनशिप की, ये बात करते हैं प्यार की, लव की जी, और समाज, एक अच्छा समाज सृजने की बात करते हैं रणजीत सिंह जी, सोशल हारमोनी। और फिर देखिए, एक बाबा बनकर एक जगह बैठ जाना है ना, चढ़ावा आता है, खाओ पियो यार, नो, ट्रेवल करते हैं, जिंदगी देखो यार, एक बार पैदा हुए ना यहाँ पे, ये प्लेनेट के ऊपर एक बार आप आए हैं, आनंद से जियो, कोई टैक्स नहीं है उसके ऊपर, आपकी लाइफ आप जिए। तो अभी हाल ही में ये उत्तरी अमेरिका यहाँ घूम कर गए, मैं तो कभी इनसे मिला नहीं हूँ, लेकिन ये ट्रेवल करते हैं, आनंद से ट्रेवल करते हैं, हर चीज देखते हैं, लोगों से मिलते हैं, अलग अलग लोगों से मिलते हैं, अलग अलग चीजों का अलग अलग ढंग से उनको एक्सप्लोर करते हैं, और अपना ट्रेवल ब्लॉग बनाते हैं, वीडियो ब्लॉग बनाते हैं, कितनी अच्छी बात है। तो मतलब एक कैसे एनरिच किया जाए अपनी लाइफ को, तो वो सीखना है तो सीखें रणजीत सिंह जी से। और सबसे बड़ी बात क्या है कि थिंक आउट ऑफ द बॉक्स, ये जो दिया है ना इतना मटका, इससे बाहर सीखें। अगर हम अपनी विजन को सीमित करके चलेंगे, अपना जो नजरिया है उसको छोटा करके चलेंगे, सीमित करके चलेंगे, तो फिर आगे बात नहीं बढ़ती है ना। जब हम आगे देखते हैं, अरे बाप रे, ऐसे भी लोग हैं यहाँ पर, ऐसी भी जगह है, ऐसी भी चीज है दुनिया में, ये भी होता है, ये भी होता है, तो यहाँ अद्भुत चीजें हैं इस यूनिवर्स में। तो वो थिंक आउट ऑफ द बॉक्स, अपना जो बॉक्स है, अपना जो भेजा है, अपनी जो खोपड़ी है, इसके बाहर भी दुनिया है, उनसे भी मिलें। स्टार्ट एक्सेप्टिंग पीपल, जैसे लोग हैं वैसे उन्हें मान्यता दें, उनके पास कुछ ज्ञान हो सकता है, कुछ बांटने को हो सकता है, कुछ शेयर करने को हो सकता है, उनसे कुछ सीखने को हो सकता है। तो ये कहना है रणजीत सिंह जी का। मैं कोई वर्ड बाई वर्ड इनका कोई कोटेशन ऐसे दोहरा नहीं रहा, जो मैंने थोड़ा बहुत इनको सुना है, तो उसका जो तत्व है, उसका जो सार है, वो संक्षेप में मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। फिर कि अपना जो पॉइंट ऑफ व्यू है, उससे क्या होता है, दायरा बढ़ता है, ब्रॉडन होता है। तो क्या है कि इस जिंदगी में अपनी जो लाइफ है, अपनी जो जिंदगी है, जो संपूर्ण होनी चाहिए, आप किसी की जिंदगी में कोई हस्तक्षेप ना करें, कोई इंटरफेरेंस ना करें, कोई दखलंदाजी ना करें, और अपनी जिंदगी में भी कोई दखलंदाजी नहीं होनी चाहिए, एकदम भरपूर पूर्ण मनुष्य। तो पूर्ण तो खैर कोई भी नहीं है, लेकिन जहां तक हो सके कि इस चार दिन की जिंदगी को संपूर्णता से, पूर्णता से जीना सीखें। तो बहुत बहुत रिगार्ड्स, रिस्पेक्ट्स इन भाई साहब रणजीत सिंह ढड्रियां वाले जी को। और मैं आपसे निवेदन करता हूं कि अगर समय मिले आपका, तो देखिएगा, सुनिएगा इनको। थैंक यू सो मच, लव यू।